नमस्कार डॉक्टर दीपक केलकर एक्सक्लूसिव में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के कार्यक्रम में हमने सेक्स विषय को प्रधानता से लिया था। इस बार का विषय भी वही है, लेकिन जो बीमारियां वगैरह उसके अलग अलग प्रकार की थी। पहले भाग में जो थी वो अलग है, इस भाग में कुछ अलग है। डॉक्टर साहब आपका फिर से एक बार हमारे कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो या महिला हो जिसे यौन रोग की कोई समस्या न हो, फिर भी लोग अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं, तो ये गलत होता है क्या? आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मुझमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है? मतलब सेक्स की जो बीमारी है, लैंगिक समस्या जो है, जी वो जिंदगी में कभी ना कभी पुरुष को या स्त्री को आती रहती है। जी मगर हमारे देश में, हमारे समाज में इसके बारे में एक अभिशाप है, बोलो स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, दाग है कि नहीं नहीं इसके बारे में सीधी बात नहीं करना। जी और मैं कितना पुरुषत्व में हूँ, मैं कितना सेक्सी हूँ और मेरे में कितनी ताकत है, जी ऐसा बताने में लोगों की होड़ लगी रहती है। जी तो इसलिए फिर वो सब लोग छुपाना चाहते हैं। जी मैं पुरुष हूँ और खुलकर बात नहीं करता। कहीं पर अगर मैं मेरी समस्या अगर मैं अपने दोस्तों से शेयर करूंगा तो उनकी नजर में मैं गिर जाऊंगा या मेरे को भी कमी पड़ा महसूस करूंगा करके वो अपनी बात बीमारी जो छुपाते हैं और धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ते चली जाती है। और मैं पुरुष नहीं हूँ। जी मैं पुरुष नहीं हूँ ऐसा लगता है फिर लोगों को कि भाई समझो मैंने ऐसा बताया तो है ना। समझो एक आधी बार हार्ट अटैक आ गया, जी हृदय विकार, तो लोग बोल देंगे हृदय विकार आ गया, मेरा हार्ट कमजोर हो गया, मैं दवा ले रहा हूँ और वो चल भी जाएगा। मैं सेक्स नहीं कर पाता, जी ये हो गया तो ये बहुत बड़ा झटका आदमी को बैठ जाता है। जी कहीं तो भी उसके पुरुषार्थ पर चोट पहुंचती है, चोट पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब एक और है कि जो शीघ्र पतन की आम समस्या हो गई है, हर लोगों को शीघ्र पतन की ऐसी शिकायत होती है, तो ये बीमारी क्यों होती है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखो शीघ्र पतन ऐसी बीमारी है कि स्त्री पुरुष दोनों को संतुष्टि न मिलने तक सेक्स चालू रखने की क्षमता नहीं होना। जी मतलब संतुष्ट होना चाहिए, जी सेक्स में संतुष्ट स्त्री भी होना चाहिए, जी और पुरुष भी होना चाहिए, जी मगर कभी पुरुष संतुष्ट हो जाता है, समाधानी हो जाता है, उसको समाधान मिलता है, जी और स्त्री को नहीं समाधान मिलता, जी तो वो हो गया शीघ्र पतन। जी क्योंकि स्त्री को जैसी चाहिए वैसी मजा नहीं आई, जी उसको आनंद नहीं मिला, जी तो फिर मतलब वो सेक्स तब तक चलना चाहिए जी जब तक दोनों को भी शांति मिले, जी दोनों को भी आनंद मिले, दोनों को भी समाधान मिले, जी संतुष्टि मिले, तब तक सेक्स चालू रखना चाहिए। जी और उतनी क्षमता यदि पुरुष में नहीं रही, जी और उसका जल्दी स्खलन हो गया, जी तो उसको बोलते हैं शीघ्र पतन, जी प्री मैच्योर इजैकुलेशन। जी तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? हाँ तो अभी इसके कारण क्या है, जी एक तो क्या होता है कि बहुत कॉमन कारण जो है वो है कि जैसा अकेले में कहीं किसके साथ में स्त्री के साथ में संबंध आया, जी तो होता क्या है कि उस समय जल्दी जल्दी रहती है, जल्दबाजी रहती है, जी कि जल्दी जल्दी कर लो, जी तो कभी खेत में, जी कोई नाले के पास, जी कोई खाली कमरे में कि जहाँ कोई आता नहीं है, जी जी या ऐसी कोई जगह, जी सेक्स संबंध ऐसा प्रस्तावित होता है, जी कि जहाँ कोई आने की संभावना है या कोई देख लेगा, जी फिर उस समय मानसिकता कैसे रहती है कि जल्दी कर लो, जी तो उसका जो ब्रेन है, जी वो उसको संदेशा भेजता है कि भाई जल्दी करो, जी क्योंकि कोई आ जाएगा, जी पकड़े जाएंगे, जी तो इसलिए वो जल्दी करने की इसमें वो ब्रेन से वैसी नर्व्स के तरफ, जी है ना, अपनी जो नर्व है उसके तरफ ऐसी संवेदना जाती है कि भाई जल्दी करना चाहिए, जी और उसमें वो जल्दी उसका स्खलन हो जाता है। जी अभी एक बार हुआ, जी अभी दोबारा तीन बार चार बार ऐसा समझो, दो चार बार दस बार ऐसा हो जाता है, जी तो होता क्या है फिर जल्दी गिरने की उसको आदत लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कमरा एक ही है या दो कमरे छोटे छोटे, जी बीच में पड़ रहे हैं, उधर के बाजू बच्चे सोए, जी या उधर के बाजू माँ बाप सोए हुए, जी इधर संबंध आ रहे पति पत्नी के, जी तो फिर उसमें भी जल्दी सेक्स कर लेना, जी जितना जल्दी हो सके उतना, जी और फिर उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, जल्दी वो स्खलन कर लेता है, जी और वो एक बार 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 हो गया तो उसकी हैबिट लग जाती है। जी तो घर में भी समझो रहे पति पत्नी, जी और उनको ऐसा लगता है कि कोई आ जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, बच्चे उठ जाएंगे, जी तो उस समय फिर जल्दी करना है तो जल्दबाजी में वो आदत लगने से, जी फिर ऐसा हो जाता है प्री मैच हो जाता है। वो शारीरिक रूप से सक्षम भी रहा तो हाँ। लेकिन उसका जो दिमाग है वो उसको इस प्रकार धकेलता है कि वो जल्दी करना है। हाँ। तो दिमाग का सारा इसमें खेल होता खेल हो जाता है। जैसा भी समझो शादी हुई, जी अब नई नई शादी हुई है ना, पहली रात है, सुहाग रात है, जी अब उसमें मालूम नहीं रहता किसको, जी
समझो कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है, पहला अनुभव नहीं है, कोई तजुर्बा पहला नहीं है, फिर उनको मालूम नहीं कैसा करना क्या करना है ऐसा। अभी तो आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है ऐसा मालूम नहीं करके, मगर तभी भी मालूम नहीं ऐसा हो सकता है। फिर वहां धड़कन रहती है दिल में कि भाई कैसा होगा, होगा नहीं होगा, मेरी अभी नई पत्नी जो है वो अभी मतलब क्या बोलेंगे, मेरे से होगा नहीं होगा, ऐसे इसमें फिर उसका वो जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, वीर्यस्खलन हो जाता है, और फिर वो दो तीन बार ऐसा भी उसका आदत लग जाती है। और एक कारण ये रहता है कि बहुत दिन की गैप हो जाती है, बहुत दिन तक शारीरिक संबंध नहीं आया, तो फिर क्या होता है कि वो जल्दी स्खलन हो जाता है, काफी काफी यदि गैप हो जाता है, हाँ समझो 8 दिन 15 दिन महीना भर की गैप हो गई तो जी। और एक कारण जो है कि समझो शादी के पहले कोई हस्तमैथुन करता है जी, तो हस्तमैथुन करने के समय वो भी रहता है कि वो तो उसको गिल्टी फीलिंग लगता है जी, कि अपने कुछ तो भी गलत काम कर रहे हैं, और उसमें भी जल्दी जल्दी कोई आएगा तो कभी बाथरूम में कभी संडास में कभी हस्तमैथुन कर लेना जी, और वहां से फिर उसको भी आदत लग जाती है कि जल्दी स्खलन कर लेना, क्योंकि उसमें अकेला ही अकेला रहता है, उसको डर लगता है कि कोई आ जाएगा उसका योगदान है ना, उसका योगदान है। जब शीघ्र पतन तो हर किसी को इस प्रकार की शिकायत होती है, इसके ऊपर इलाज है क्या डॉक्टर साहब? इलाज तो काफी है जी, इसलिए पहले समझ लेना जरूरी है। जैसा भी और एक बात बतानी रहेगी कि समझो कोई वेश्या के पास में जाता है, सोशल सेक्स सोशल वर्कर ना जी, तो ये सेक्स वर्कर है जी, वेश्या उसके पास में जा रहा है, अब वो उसके पास में उसको उसको तो क्या उसको पैसे मिलने से मतलब है जी, बोलते मेरे को जितना पैसा दे दो चलो जल्दी करो जी, हाँ वहां रहता डर कोई आ जाएगा, पुलिस आ जाएंगी, कोई पकड़ लेगा, कोई कुछ होगा, तो वहां भी फिर जाना जल्दी काम कर लेना है ना, तो ये जो उसके लिए जो मतलब इलाज है तो इलाज ये देखना पड़ेगा कि भाई कारण क्या हुआ है ना, कारण ये मालूम पड़ा कि भाई कारण क्यों है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दवाइयां खाने से जल्दी हो जाता है जी, कोई दवाइयां खाने से जल्दी होता नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम है कि शीघ्र पतन होता ही नहीं, पतन ही नहीं होता जी, तो उसके लिए जो कारण जो है वो एक एंग्जाइटी टेंशन स्ट्रेस है ना इस तरह का, तो वो कारण देखे हम तो उसको कारण को लेके फिर दोनों को बिठाना पति पत्नी को साथ में जी, और फिर उसका इलाज कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब इसमें बिना दवा के शीघ्र पतन की उपचार होता है? हाँ, दवा हाँ, कुछ लेनी पड़ती है। देखो ऐसा है कि बिना दवा का भी होता है और दवा का भी होता है जी, हम तो क्या करें दोनों भी देते इलाज जी है ना, कोई कोई दवा ऐसी होती है कि जिससे मतलब जो वीर्यस्खलन शीघ्र पतन जो है वो होता नहीं जल्दी जी, तो ऐसी कोई दवाइया है कि जो हम लिखते हैं लोगों को देते हैं कि भाई दवाई लो तो इसे शीघ्र पतन नहीं होगा, काफी समय लग गया है, उससे उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर एक दो बार उसका जरा अच्छा ठीक लग गया उसको, फिर उसको उसकी जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जी, तो काफी सारी है। फिर कुछ कुछ लोगों क्या होता है कि इसके साथ साथ नपुंसकत्व भी रहता है जी जी, शीघ्र पतन नपुंसक दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में ये भी हो सकता है जी जी, तो फिर उसके लिए यह है कि भाई उसको शिश्न में कठोरता आने के लिए मतलब कड़कता आने के लिए जी है ना, तो उसके लिए फिर उसको दवाई की जरूरत है, फिर वो भी दवाई दे दो जी, ताकि उसका शिश्न काम करने योग्य हो जाएगा जी, और फिर जल्दी स्खलन नहीं होना चाहिए उसके लिए भी दवा दो जी, तो वो एक जरूरी है जी। अभी इसके साथ साथ मतलब कुछ मतलब ब्रेन को जरा ऐसा सेडेशन या थोड़ी गूंगी लाने की दवाई दिया जी, तो जो उसका एक्साइटमेंट है जी वो कम हो जाता है, वो ज्यादा एक्साइटेड रहता है जी, तो वो कम हो जाता है क्योंकि नयापन रहता है शादी के बाद में, नयापन रहता है जी, या बहुत दिन के बाद में संपर्क आ रहा तो नयापन रहता है जी, है ना, और उसको लिया कभी आदत लग गई तो नया मतलब वो एक डर रहता है जी, तो उसके लिए वो दवाई देके उसको जरा दिमाग शांत करने की दवाई देना पड़ता है जी, और कुछ कुछ दवाई ऐसी की जो शीघ्र पतन को जरा टाइम लगा देती है, पतन जल्दी होने देती नहीं जी, तो वो दवाई देना। दूसरा है बिना दवाई का इलाज जी। अब बिना दवाई के इलाज के लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम दोनों भी मतलब इलाज कोई भी रहो दवाई करो बिना दवाई करो हम बोलते हैं कि पत्नी को लाओ या मतलब आपके पार्टनर को लाओ जी, है ना, तो यूजुअली अपने समाज में ऐसा है अपने देश में जी कि लोग नहीं नहीं वो पत्नी बोलती है कि मेरा क्या है मुझे क्या प्रॉब्लम है मैं क्यों आऊं, है ना, मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं जी, मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम दोनों का है, प्रॉब्लम दोनों का इसलिए क्योंकि आदमी अकेला जब रहता है जी तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जी, अगर आदमी क्या प्रॉब्लम है उसको पूरा तपास लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम उसका कब शुरू होता है जब दोनों एक साथ आते हैं, तो ट्रीटमेंट भी दोनों लोगों की एक साथ होनी जरूरी है जी। डॉक्टर साहब जैसे तो आपने बताया था कि जो ऐसी आपको कुछ दवाइयां लिख रही थी इसके अंदर शीघ्र पतन जल्दी नहीं होता, तो ऐसे बहुत से मार्केट के अंदर बड़े बड़े दावे करने वाली जो दवाइयां हैं वो मिलती है, तो वो कितनी नुकसानदेह हो सकती है? तो ऐसा है कि मार्केट में तो बहुत सारी दवाइयां हैं जी, है ना, कि उसके ऊपर घोड़े का चित्र है, बैल का चित्र है जी जी, है ना, आयुर्वेदिक दवाई है जी,
वो तंबू लगा के जी जी रास्ते के बाजू में लोग रहते हैं, उसमें पहलवान का फोटो रहता है ना, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने के तरीके हैं। ऐसा ऐसा कोई नहीं है, कोई उसको दवा दे दिया तभी उसका एक घंटा चलेगा सेक्स, ऐसा कोई दवाई नहीं है, है ना जी। और वो समझो होता ही नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम है, है ना। तो ऐसी कोई दवाई है नहीं जी। मगर एलोपैथी में तो जो मुझे मालूम है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ एलोपैथी की, तो उसमें दवाई है कि जिससे वो प्रोलॉन्ग किया जा सकता है कुछ समय तक जी, है ना, कुछ समय तक जी। और उसकी भी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि मैं वो दवाई दे दूं और 101% उसका काम होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं जी। इसके लिए उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है जी। जैसा पति पत्नी ने दोनों ने साथ में आना जी, और उनको फिर मैं साइकोथेरेपी करता हूँ जी। साइकोथेरेपी मतलब मानसोपचार, मानसोपचार उनको बताते कि भी क्या करना चाहिए जी, दोनों ने मिलके क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको विस्तृत बता सकता हूँ, है ना, कि भाई मतलब दोनों को बुला के करना क्या है जी। और समझो पत्नी नहीं आती है जी, तो फिर अकेले को बोलना पड़ता है, ठीक है मैं जो बोल रहा हूँ तू जाके अभी घर पे बोल, लेकिन उतना वो प्रभावी नहीं होता, क्योंकि मैं अभी उसको बोलूं तो उसको पूरा समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ जी। अभी वो जाके पत्नी को बोलेंगे तो उसको कितना समझ, मतलब वो डाइल्यूशन हो जाता, यानी आप 50 बोलेंगे घर को जाके 40 कर, 40 कर देंगे, ऐसा होता है, फिर लोग बोलते हैं हमको फायदा नहीं होगा। तो यूजुअली जो जो लोग साथ में आते हैं जी, हस्बैंड वाइफ जी, पति पत्नी, तो उनको जरूर फायदा हो जाता है। और एक उसका कारण मैं भूल गया बोलने के लिए, जल्दी क्यों होता है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, मतलब विवाह बाह्य संबंध जी। तो विवाह बाह्य संबंध लोग हमारे यहाँ जो आते हुए ऐसे कि घर में कुछ नहीं होता, घर में सब कुछ बराबर है जी। और बाहर कहीं कांटेक्ट आ गया जी। तो वहाँ पे तो वहाँ जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहाँ नावीन्य पूर्ण रहता हो जी, जी नया रहता है जी, टेंशन रहता है जी, और क्या नया है जी, वहाँ तो जल्दी होना ही है। अपनी खुद की अगर गाड़ी चलाए तो हमको सब पता रहता है कि अगर किसी दोस्त की गाड़ी, अगर हमने गाड़ी अगर बाइक उधार ली तो गाड़ी तो मैं रोज ही चलाता हूँ, लेकिन गाड़ी चेंज होने के कारण सिस्टम भी सब वही रहता। वो भी एक है, वो भी है कि अब जहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ जी, कि समझो मैं दो दिन से भूखा हूँ जी, मुझे बहुत भूख लगी जी, खाने को मिला नहीं है समझो, या सुबह से चलो सवेरे से ही खाना नहीं मिला जी, और सवेरे से मैं भूखा हूँ बहुत, है ना। अभी मैं कहाँ जाके बैठा हूँ जी, और वो होटल में गर्मा गर्म आलू वड़ा तैयार हो रहा है जी, और उसने बिल्कुल तर्री मार के लाया जी, अभी मैं उसको देख रहा हूँ सिर्फ, तो मेरे मुंह बिना खाते जी भी। तो ऐसा ही है कि भूखा है समझो आदमी, तो सेक्स से जो भूख लगी हुई है जी, काफी दिन का गैप है जी, भूख लगी है तभी भी जल्दी तुझे पता हो जाता है जी। अभी वही आलू वड़ा है समझो, मेरा बहुत ही पेट भरा हुआ है, मैंने पूरा खाना खा लिया है जी, अब मेरे सामने आलू वड़ा लाना तो और कुछ लाओ जी, तो मेरे मुंह में पानी आएंगे और इच्छा भी नहीं होगी देखने की जी, बिल्कुल। तो उस तरह का रहता है कि भाई नया तुम जाते हैं तो नए, जैसा घर का खाना है और बाहर का खाना है जी, तो घर का खाना खाया तो रोज बोर हो जाता जी, तो फिर बाहर का खाना है तो अच्छा लगता जी, वैसा ही है, मगर अच्छा लगता तो फिर जल्दी पानी भी आता है जी, बिल्कुल। बाहर का खाना खाने गए तो जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यानी शीघ्र पता नहीं कारण पति पत्नी में बिल्कुल तनाव हो जाता है इसके कारण, क्योंकि एक अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी झलकती है, चाहे वो खाना बजाने में हो या व्यवहार में हो या बातचीत में हो, कहीं तो भी खींच बराबर की निकलती है। तो ये इसलिए होता है कि देखो, मैंने पहले बोला है कि पति पत्नी दोनों को भी समाधान मिलना चाहिए जी, मन को शांति मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए जी, जी। अभी समझो शिखर पतन होता है जी, तो क्या होता है कि स्त्री को कुछ उसमें मजा आती नहीं, क्योंकि उसको टाइम लगता है जी, उसको सेक्स आने में टाइम लगता है जी। दोनों ने शुरू एक साथ में शुरुआत किया जी, आदमी को पुरुष को सेक्स आ गया जी, उसको इच्छा हो गई जी, उसने वो सेक्स कर लेता, उसका स्खलन हो जाता और शांत हो जाता जी। अभी औरत अभी पूरे सेक्स में अभी आने की है जी, वो तो अभी पूरी उसकी इच्छा भी जागृति नहीं हुई, जागृत तब तक ये शांत भी हो गया जी। अब ऐसे इसमें वो बाजी हो गया जी, तभी होगा क्या कि औरत को लगता है कि ये आता है सेक्स करता है चले जाता है, मैं तो ऐसे रहती हूँ भूखी, यानी उनको कहीं तो गिल्टी फील होती है कि अपना जो पति है वो सिर्फ केवल इसकी भूख के लिए आता है और उसका क्या भाई प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है और मेरा क्या जी। मतलब औरत को शांति मिलती नहीं, उसको समाधान मिलता नहीं है, फिर बोलती है यार उसको कभी ये मालूम नहीं रहता, कभी कभी अपने इसमें तो ऐसा है कि लोगों को मालूम भी नहीं है जी, कि औरत को भी शांति मिलना चाहिए, समाधान आना चाहिए, बोलती वो आता जाता चले जाता कुछ तभी करता जी, फिर करना क्यों, अभी दो बच्चे हो गए, अभी सेक्स की जरूरत क्या है जी। और फिर वो उनको लगता है कि सेक्स क्यों करना है, कि बच्चे पैदा करने की वो एक क्रिया कर्म है, अब बच्चे तो हो गए अब काय को करना, अब ऐसे भी अभी बहुत उम्र हो गई, काफी साल हो गए शादी को, बच्चे भी बड़े हो गए, अभी क्यों करना है, क्योंकि उसमें उसको मजा ही नहीं आती जी। शीघ्र पतन होने से उसको मजा आती नहीं है, मजा उसको आते जाएंगे तो बोलेंगे नहीं करना है जी, सेक्स में कोई नहीं बोलेगा करना है करके जी।
उसको मजा आती नहीं, फिर वो बोलता है कि एक वो रोज का एक कार्यक्रम ऐसा हो जाता हो, जी जी बोलते हैं अपने को करना ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, क्या सम्मोहन से भी शीघ्र पतन का उपचार हो सकती है? आप सम्मोहन से भी होता है, सम्मोहन से भी होता है, मैं लोगों को बताता हूँ पहले। जी एक तो क्या है कि उसका इलाज साइकोथेरेपी मतलब मानसिक उपचार से होता है। जी तो दोनों को पति पत्नी को समझो बुलाया है, पत्नी नहीं आई कभी भी। जी पहले मैं इनको बोलता हूँ कि आपने पहले एक दूसरे के साथ में रहना जरूरी है। जी मास्टर्स एंड जॉनसन जी करके एक हस्बैंड वाइफ थे। जी तो उन्होंने इसमें काफी सारा वर्क किया हुआ है जी, सेक्स के मामले में, मतलब ये विषय में, और उन्होंने उनकी एक थेरेपी तैयार किया। जी तो वो थेरेपी का मैं ऑफर करता हूँ। जी जी और उसमें उन्होंने ऐसे काफी सारे स्टेजेस दिए हुए। जी है ना, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन, छठवें, ऐसे क्या कैसा कैसा करना जी अलग अलग। तो मैं दोनों को बुलाता हूँ। जी पत्नी आदि ने तो अकेले को आदमी को बुलाता हूँ। जी और फिर उनको बताता हूँ कि करना कैसा है सेक्स, उसकी प्रक्रिया क्या है। जी फोर प्ले क्या है। जी और इसमें यूजुअली जो हम बताते हैं वो ये है कि फीमेल सुपीरियर पोजिशन। जी मतलब कुछ दिन तक जी जैसा औरत ने आदमी के ऊपर आरूढ़ होना। जी जी और उसमें स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक करके एक टेक्निक है, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। तो स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक करना और औरत ने आदमी के ऊपर आरूढ़ होना, मतलब उसको बोलते हैं फीमेल सुपीरियर पोजीशन। तो वो यदि करते हैं जी तो, और स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक उसके साथ में करते हैं जी, तो उसमें वो ऐसा मतलब इस तरह का उनको बताते कैसा करना क्या है तो डिटेल में, और फिर उससे काफी सारा फायदा होता है। और दवाई भी चालू रखते हैं जी जी, और हम सम्मोहन करते हैं हिप्नोटिज्म। जी जी तो मैं उनको सेल्फ हिप्नोसिस सिखाता हूँ। जी सेल्फ हिप्नोसिस मतलब उस समय जो एक्साइटमेंट ब्रेन में आता है जी जी, तो उस समय जो एक्साइटमेंट आ रहा है उसको कैसा रिलैक्स करे ब्रेन को। जी ब्रेन को कैसा रिलैक्स करना ताकि वो एक्साइटमेंट जो है ब्रेन का वो कम होके वो रिलैक्स रहेगा और सेक्स कर सकेगा। जी तो इसलिए हम हिप्नोथेरेपी सिखाते हैं, सेल्फ हिप्नोथेरेपी मतलब सेल्फ हिप्नोसिस, और उसमें फिर उसको दिमाग को शांत करने की भी प्रक्रिया हम उसको बताते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने पिछले बार भी काफी अच्छी जानकारी दी थी, अभी भी काफी अच्छी जानकारी दे रहे, तो कोई जो दर्शक है उनकी ऐसी था कि अगली बार अगर डॉक्टर साहब आए तो ये प्रश्न जरूर पूछना कि सफल संभोग की समयावधि जो थी वो कितनी होती? क्या बताया आपने फिर से? सफल संभोग की जो समयावधि है अवधि कितनी? हाँ तो ऐसा कोई अवधि का नहीं है जी, उसमें कोई अवधि नहीं है। मैं जैसा पहले बोला कि भाई दोनों को मन को आनंद मिलना चाहिए और शांति मिलना चाहिए। तो सफल संभोग उसको बोलते हैं कि पति पत्नी दोनों को भी मन को आनंद मिला, दोनों को शांति मिली, सुख मिला, मजा आ गई, तो उसको बोलते सफल। फिर वो किसके लिए 10 मिनट हो सकता है, किसके लिए 5 मिनट हो सकता है, किसके लिए आधा घंटा हो सकता है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो लोग बोलते हैं कि भाई पलंग तोड़ पान का, जैसा आपने किया पलंग तोड़ पान, एक एक घंटा चलता है वगैरह, है ना, तो ऐसा सब क्या काफी अंधविश्वास लोग आपस में फैलाते रहते हैं जी, है ना। और ऐसा कोई पलंग तोड़ पान खा के कोई पलंग टूटता नहीं जी, और उससे कोई सेक्स होता नहीं है, तो मतलब ये सब अंधविश्वास दूर होना चाहिए। दोनों को समाधान मिलने इतना सेक्स करते आना चाहिए, उसको बोलते हैं कि सफल संभोग। डॉक्टर साहब, इसके अंदर क्या लिंग की जो लंबाई चौड़ाई में भी कुछ महत्व? उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, लिंग की लंबाई चौड़ाई में भी कुछ नहीं है जी, 1 इंच से यदि कम है जी लंबाई में, 1 इंच मतलब अप्रोक्सीमेटली आप समझ के लो इतना जी, अब 1 इंच से यदि कम उसका उसकी लेंथ है जी लंबाई जी, तो फिर हम बोलते कि नहीं ये सफल संभोग कर नहीं सकेगा जी। पर 1 इंच से ज्यादा है जी तो वो इरेक्शन के बाद में मतलब जब उसमें कड़कपन आता है जी जी, तो उसके बाद में तो ज्यादा लंबाई उसकी होती रहती है जी, तो वो जो है वो जरूरी है कि 1 इंच से ज्यादा जी। तो लोग जो बोलते कि नहीं साइज 5 इंच होना, 6 इंच होना, 8 इंच होना, ये सब कुछ कारण नहीं जी, क्योंकि औरत को अंदर जी उसके योनि में जी उसको आधा इंच से पौन इंच तक ही उसको सेंसेशन आता है जी, उसके अंदर कितना भी जी गया लिंग अंदर जी, तो उसको सेंसेशन आता नहीं जी। तो औरत को समाधान मिलने के लिए आधा पौन इंच ही काफी है जी, इसलिए बोलो कि 1 इंच यदि लंबाई है। नहीं ऐसे आप जो कैसी जो बता रहे जानकारी, ऐसे बहुत से लोग जो है इस प्रकार की जानकारी उनके पास नहीं है, नहीं। क्योंकि वो कभी जाते ही नहीं ऐसे, आप जैसे डॉक्टर है जो एक विशेषज्ञ है, इतने सालों का अनुभव है, तो यह तो कुछ जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में फैली हुई बहुत से, तो हमारे इस कार्यक्रम के जरिए दूर हो जाती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जो रहती जो प्रत्यक्ष आपसे मिले तभी वो दूर हो सकती है। हमारे दर्शक कृपया ध्यान दें। डॉक्टर साहब, एक और ऐसा प्रश्न था कि कैसे हम समझे कि जो अपनी पत्नी है वो संतुष्ट होगी, कुछ उसके हावभाव वगैरह समझने पड़ते हैं या कुछ? तो ऐसा कैसे समझे, तो ये तो गेसिंग लोग करते रहते हैं जी, और गेसिंग करते करते पेशेंट बन जाते
जी है ना कि नहीं नहीं उसको समाधान नहीं मिल रहा है जी, फिर वो और कोई पुरुष की तरफ देख रही है जी, जी। और ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहता जी, बस सिंपल है कि उसको पूछना है जी, और वो बोलती है हाँ मेरे को समाधान संतुष्टि मिली जी, शांति मिली, तो वो हो गया जी। वो बोलती नहीं हुआ तो नहीं हुआ जी, तो उससे ऐसा कोई हावभाव नहीं है या उसको कोई लक्षण नहीं है कि वो, उसने बोला कि हाँ मेरे को शांति लग रही है, अच्छा लग रहा है, समाधान हो गया तो समाधान हो गया, बोलती नहीं समाधान हो गया तो नहीं समाधान हुआ जी। और फिर वो खुद को मार लेती है जी, जी खुद का मन मारती है, मारती जी जी है ना, और फिर उसके लिए एक्चुअली इलाज जरूरी है, फिर क्या होता है जब संतुष्ट नहीं होती जी और पति को बोलेंगे ठीक है संतुष्ट हो गई, तो फिर क्या हुआ उसको धीरे धीरे मजा निकल जाती, तो संतुष्ट नहीं हो रही जी, मजा नहीं आ रही है ना, और उसी इसमें पैदा हो जाती उसको सेक्स हाँ। के डॉक्टर साहब एक और परेशानी ऐसी थी कि कई लोगों का जो लिंग जो होता है जो टेढ़ा होता है, ऐसी उनको ऐसा लगता मन में वो धारणा बना लेती है कि मेरा लिंग टेढ़ा है, कठोर होने के बाद एक साइड में टेढ़ा जैसा, तो ये क्या बीमारी है क्या पीछे? लिंग कठोर होने के बाद टेढ़ा होना कोई बीमारी नहीं है जी जी, वो कहीं भी बाएं तरफ या दाहिने तरफ जी जी कहीं भी वो टेढ़ा हो सकता है जी जी, तो उसे करना कुछ नहीं जी। नॉर्मल ऐसा कभी आपको 90 अंश में कभी ऐसा दिखेगा नहीं जी कि 90 अंश में बराबर लिंग है करके जी, वो कहाँ कभी मतलब बाएं तरफ रहेगा कभी दाहिने तरफ रहेगा, आप पैंट पहनने के बाद में जी वो कौन से तरफ लिंग रखने की उसकी मतलब हैबिट है जी, जी। उसके ऊपर वो यूजुअली लेफ्ट साइड में रहता है जी, वो लेफ्ट साइड में झुका रहता है जी जी, तो बहुत लोग आते कि मेरा टेढ़ा है जी और उसके लिए क्या करना जरूरी है जी, तो उसका कोई करने का इलाज कुछ भी नहीं है, टेढ़ा रहे सीधा रहे उसमें होता कुछ नहीं है जी, वो कठोर होना जरूरी है जी, सही बात, और एकदम सीधा रहेंगे नहीं 90 अंश में कभी रहेंगे नहीं जी। डॉक्टर साहब आपसे एक इस प्रकार का सवाल था कि मुख मैथुन हो या गुदा मैथुन हो, आपकी क्या राय इसमें? देखो मुख मैथुन या गुदा मैथुन जो है वो लोग करते रहते हैं जी, जिसको जिसमें आनंद आता वैसा करते रहते हैं जी, मुखो मैथुन तो काफी जी, बहुत ही कॉमनली लोग करते रहते हैं जी, मुखो मैथुन। गुदा मैथुन तो मतलब वो एक अलग तरह का ये है, मतलब लाइक संतुष्ट होना जी, गुदा मैथुन में कोई भी मजा नहीं है, विकृति जैसा है वो जी, है ना, स्टिमुलेशन के लिए मतलब योनि मैथुन करना जी जी और मुखो मैथुन करना जी, मतलब उसमें अलग अलग उनको जैसे मजा आती वैसा करते हैं जी जी। मुख मैथुन से कोई बच्चे नहीं होगा जी, उसके लिए योनि में जी जी मैथुन जरूरी जो प्रकृति प्रदत्त है जो वही वही करना पड़ेगा जी, और बाकी तो अलग अलग कितने सारे आसन है जी जी, अलग अलग तरह के आसन रहते हैं जी और हर तरह के संभोग की प्रक्रिया रहती है। वात्स्यायन ने हमारे प्राचीन ग्रंथों में वात्स्यायन ने पूरी दुनिया को इस काम कला के विषय में बताया, लेकिन अभी लोगों की जानकारी कम है और अपने मन से कोई डॉक्टर बन के इलाज करते करके उनको आगे तकलीफ उठानी पड़ती। डॉक्टर साहब एक और ऐसा सवाल था कि जब महिलाओं के पीरियड का जब समय चलता है तो ऐसे समय संभोग उचित है क्या? हाँ ऐसा कोई नहीं है उसमें कि उचित है कि नहीं है, मतलब जैसे इच्छा है वैसा है जी, उसमें भी कर सकते हैं जी जी, है ना, सेक्स हो सकता है उसमें भी जी, उसमें इतना ही है कि भाई क्लीनलीनेस होना जरूरी है जी जी, है ना, सही क्लीनलीनेस और ये सब स्वच्छता यदि मतलब पूरी है साफ सुथरा सब जी रखा हुआ है, क्लीनलीनेस है, इन्फेक्शन नहीं होता है तो उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ना ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब जैसे महिला अगर प्रेग्नेंट हो गर्भावस्था के दौरान कई बार सेक्स की इच्छा होती है उसकी, तो वो कितने समय तक कर सकते हैं, उचित है या नहीं उचित? वो गरोदर जब है उसको मतलब प्रेगनेंसी है जी, तो उसमें कभी भी कर सकते हैं, इतना है कि पूरे लाइक 24 हफ्ते हो गए जी या 26 हफ्ते होने के बाद में उसके पेट के ऊपर दबाव आ सकता है जी जी, तो इसलिए वो हो सकते हैं कि पुरुष नीचे जी जी और औरत ऊपर जी, ऐसा भी संभव हो सकता है तो वो कर सकते हैं जी, और वो काफी सारे मतलब 30-34 हफ्ते होने के बाद मतलब 7 महीने होने तक भी संभोग करते रहते हैं जी, जब तक पेट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता नहीं आता तब तक कितना भी याद भी चलता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब जैसे आप किसी भी जो रोगी को आप पति पत्नी दोनों को साथ में बुलाते, इसके पहले आपने बात भी हुई, तो महिलाएं काफी संकोच करती है कि भाई पुरुष को कहती है कि आप ही जाओ क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ बीमारी नहीं है ऐसा वो समझती है, लेकिन जब पति भी जब जाता है आपके पास आता है तो आप उनको तो अपनी तरफ से समाधान करती है, तो आप जो ऐसी जो पत्नियां जो संकोच करती है तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि संकोच न करें, क्या क्या कहना? हाँ तो सभी मतलब स्त्री जो है पत्नी जो है जी उनको मैं कहना चाहूंगा कि इसमें दोनों ने इलाज किया तो बहुत ही अच्छा है जी, सीधी बात है जी, इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। मैं हरदम यही बोलता हूँ कि भाई जब
प्रेगनेंसी आती है, डिलीवरी होती है, तो बच्चा पैदा जब होता है तो आप पुरुष डॉक्टर के पास में जाके भी डिलीवरी करवाते हैं जी, वो भी ऑपरेशन करते हैं, स्त्री को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया जी, कोई ऑपरेशन करना है कुछ भी करना है जी, तभी वो जेंट्स डॉक्टर रहते हैं जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज ने जाना नहीं चाहिए जी, और वो दोनों साथ में रहते हैं तो ही बीमारी है जी, अकेला रहा तो कोई बीमारी है जी, तो फिर दोनों का इलाज जरूरी है जी, मगर वो आते नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक ऐसा अनाज की भूख है जी जी, खाने की भूख है जी, वैसे सेक्स की भूख है हर व्यक्ति को जी, और उसमें यदि प्रॉब्लम आता है तो आदमी शांत दिन भर में शांति नहीं रहता, उसका दिमाग ठिकाने पर रहता नहीं जी, फिर स्त्री हो या पुरुष हो जी। तो उसके लिए यदि उसका इलाज करना है, डॉक्टर बोलते हैं कि दोनों ने आना जरूरी है जी, तो स्त्री ने जाना, पत्नी ने जाना जरूरी है, और उसने करना चाहिए जी, उसमें कोई संकोच पालने का कोई कारण नहीं। डॉक्टर साहब, आप पिछले कई सालों से सेक्स रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं और काफी सफल डॉक्टर आप माने जाते हैं, और इतने सालों में कौन से ऐसे जो लोग हैं जो कौन सी बीमारी को ज्यादा लेकर आपके पास आते हैं सेक्स को लेकर? सेक्स को लेके ये दो तीन तरह की ज्यादा है, मतलब एक तो है कि नपुंसकत्व जी, सेक्स करने की क्षमता नहीं होना और कठोरता नहीं आना जी, नंबर एक। नंबर दो जो है शीघ्र पतन जी। नंबर तीन जो है हस्तमैथुन जी, कि हाथ से करते हैं जी, और हस्तमैथुन करने के बाद में बहुत ही थकान आ गई जी जी, हस्तमैथुन में बहुत बुरी आदत लग गई जी जी, और काफी सारी मतलब कमजोरी आ गई जी, और अभी पता नहीं क्या करना। तो ऐसे लोग आते हैं कुछ, तो जो जिनकी शादी होने वाली रहती है वो भी ऐसे भी लोग आते, वो भी आते रहते हैं कि शादी होने के अभी मेरे को डर लग रहा है जी जी, कि अभी शादी के बाद में मैं करूँ कि नहीं करूँ जी जी, तो होगा कि नहीं होगा जी, मतलब इस तरह का। तो वो भी काफी सारे आते हैं, और शादी के बाद में भी काफी सारे आते लोग जी, क्योंकि शादी के बाद में अपने यहाँ तो मतलब कभी कभी मुझे आश्चर्य लगता है कि शादी के बाद छह छह महीना साल साल भर तक लोगों का सेक्स होता नहीं है जी, और तभी भी वो डॉक्टर का इलाज कर देने की शर्म के बाद, शर्म जी। तो ये यदि हम शर्म छोड़ देंगे तो उनका इलाज हो जाएगा जी। साल साल डेढ़ साल दो साल तक लोग आते नहीं है जी जी, और जैसा कोई बहन भाई सो रहे साथ में सोते जी, नहीं होना करके। डॉक्टर साहब, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, वैसे समय वैसे टाइप की कहावत इस पर लागू होती है कि भाई शर्म को त्यागे और अपने मन में अगर कोई दुविधा हो सेक्स को लेकर तो अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर ले, उनका उपचार जरूर कर रहे। डॉक्टर साहब, आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे, तो सेक्स के अलावा और कौन कौन सी बीमारियों का आप उपचार करते हैं? नहीं, काफी सारी बीमारियां हैं, मानसिक रोग की जो बीमारी है जी जी, तो उसमें सभी तरह की मानसिक बीमारी जो है, मतलब ऐसे पूरा दिमाग खराब हो गया पागल बने तो वो लोग मेरे पास में आते हैं जी, हर्षवायु हो गया उन्माद जी, तो वो लोग आते हैं। फिर निराशा जी, डिप्रेशन वाले, तो डिप्रेशन वाले काफी सारे लोग आते हैं जी। फिर बोलने में हकलाना जी जी, जैसा सेक्स की बीमारी जो शीघ्र पतन वो टेंशन से होता है जी जी, वैसे वही लोगों को, काफी लोगों को बोलने में भी हकलाते हैं जी, पता नहीं क्या उसका रिश्ता है जी, और हकलाने का भी रिश्ता होता है, मतलब ये कि दोनों का कारण टेंशन है, टेंशन दिमाग के ऊपर, तो वो हकलाने का भी है। तो काफी सारे लोग हकलाने के इलाज के लिए हमारे पास में आते हैं, हकलाते हैं करके जी जी। तो वो है कि फिर और एक कॉमन जो है वो है बाहर जाने का डर, घर से बाहर जाने का डर जी, बाहर घूमने का डर, पब्लिक में जाने का डर, रास्ता पार करने का डर जी, तो वो रहता लोगों को। फिर सब कॉमन है कि बार बार विचार आना जी, खामोखा कुछ ना कुछ भगवान के बारे में बुरे ख्याल आएंगे जी, बच्चों के बारे में आएंगे या गंदगी है करके वो विचार आएंगे, ऐसे काफी सारे विचार जी आते जाएंगे, तो वो बार बार रिपीटेटिव थॉट्स जी, वो आना, हाथ धोना बार बार, तो वो लोग आते रहते हैं जी। फिर फिट्स आती है लोगों, हिस्टोरिकल फिट्स, टेंशन की वजह से फिट आना जी, तो वो आती है, या फिर एक्चुअली ब्रेन के प्रॉब्लम की वजह से फिट आना, वो लोग आते रहते हैं जी। तो यानी सभी प्रकार के, काफी सारे लोग शराब, शारीरिक और मानसिक, शराब लोगों को ये मालूम नहीं है कि शराब पीना ये मानसिक बीमारी, शराब मतलब उसका लत लगना शराब की जी, है ना, और नशा शराब की करना वो भी एक मानसिक बीमारी है जी। तो उसके सारे काफी लोग आते हैं हमारे पास में, उसकी दवा भी है जी, कि हम शराब की मतलब शराब छोड़ने की दवा देते हैं, वो दवा लेता है शराब छूट जाती है जी, तो वो भी लोग आते हैं। वो कैसे काम करते हैं डॉक्टर साहब, फिर शराब में अगर आप डाल के अगर देते तो उनकी, शराब में डाल के नहीं देते जी जी, दवाई उसको दवा देते हैं जी, उससे अधिक वादा होती है, जिससे क्या होता है कि वो दवा लेने से उसके ऊपर वो शराब जी लेता है जी जी, तो उसको उल्टियां आती जी, लेने के उसकी रिएक्शन हो जाती, वो गोली की और शराब की रिएक्शन आती जी, उसको उल्टियां आती, और उल्टी आने के बाद में उसको ऐसा उसके बारे में
ये हो जाता नौशिया टाइप की, नहीं होना भी शराब, उसको ये मालूम हो जाता कि जब जब मैं शराब लेता हूँ तो उल्टी आती, उल्टी आती घृणा आ जाती है, अभी वो शराब छोड़ देता है, ऐसा भी होता है। डॉक्टर साहब आपने पिछले बार भी आकर बहुत अच्छी जानकारी दी, इस कार्यक्रम में भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आशा है कि हमारा यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे डॉक्टर दीपक केलकर के साथ एक नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते।